अभी रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक नई धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जमीन से किसी तीसरे देश को रूस पर हमले की साजिश रचने नहीं दी जाएगी। यह इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को धमकाने के लिए हो रहा है, इसीलिए रूस ने अपनी सेना लुहांस्क और डोनेस्क में भेजी है। पुतिन ने सफाई भी दी और कहा कि उनका कोई इरादा नहीं कि रूस दूसरा साम्राज्य खड़ा करे। तो पुतिन जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है और इसमें अमेरिका का क्या खेल है? क्या यह सिर्फ तेल और गैस की लड़ाई है या कुछ और खेल? यह सब कुछ भारत से 5000 किलोमीटर के फासले पर चल रहा है। इसका असर क्या भारत पर पड़ेगा? और भी कई सवाल हैं। समझने के लिए आपको दिखाते हैं एक नहीं 10 रिपोर्ट। क्या युद्ध शुरू हो चुका है? यूक्रेन में इस रूसी बख्तरबंद गाड़ी और सैनिकों से भरे ट्रक की एंट्री का यही मतलब है। रूस यूक्रेन के दो टुकड़े करेगा। ये व्लादिमीरोविच पुतिन ने ठान लिया है। यूरोप में युद्ध की सुनामी आने वाली है। 90 के दशक में बालकन युद्ध के बाद यूरोप सबसे बड़ी जंगी तबाही की चौखट पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि मॉस्को में पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़ों वाले दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं और रूस की फौज पीस कीपिंग फोर्स की शक्ल में यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। इसके मायने हैं कि यूरोप में जंग होगी, इसकी गारंटी 100% है। यूक्रेन खुद को कैसे बचाएगा? क्या नाटो बीच में कूदेगा? क्योंकि रूस सुपर पावर है और ऐसी ताकत का मुकाबला यूक्रेन के अकेले के बस की बात नहीं है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी और बेल्जियम में नाटो के मुख्यालय में क्या चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर क्या चल रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पर जब यह खबर छपी तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। यूक्रेन का नक्शा बदलने जा रहे रूस का एजेंडा क्या है, इसे समझने के लिए यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात, रूस यूक्रेन के टुकड़े कैसे करना चाहता है, इस बात को समझने के लिए आपको यूक्रेन और रूस के बॉर्डर को बारीकी से समझना पड़ेगा। पुतिन ने इन दस्तखत के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों को अलग अलग देश की मान्यता दे दी है। ये दोनों इलाके रूस की सीमा से लगे हुए हैं। अब इसी मैप और रूस के आक्रामक स्टैंड को समझिए। यहाँ लुहांस्क में गहरे नीले वाले हिस्से पर 2014 में रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, जबकि डोनेत्स्क में गुलाबी वाले हिस्से पर भी रूसी समर्थित मिलिशिया का कब्जा है। लेकिन अब रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद देश घोषित कर दिया है। रूस को तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब ये दोनों जगह आजाद हैं और अब हम उन लोगों से कीव में बैठी सरकार से कहना चाहते हैं कि हमलों को रोक दें, वरना खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन के शासन की होगी। मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति होने के नाते कह सकता हूं कि मेरे साथ पूरा यूक्रेन है, जिसकी सरहदों को दुनिया मानती है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे जो हो जाए, चाहे रूस जो भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जमीन पर मजबूती से रहेंगे और हमें किसी से डर नहीं लगता। हम अपना एक हिस्सा भी किसी को नहीं देंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। डोनेत्स्क की आबादी 40 लाख से ज्यादा है, लुहांस्क की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। ये दोनों यूक्रेन का 9% हिस्सा बनते हैं, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी रूसी भाषा बोलती है और ये लोग सांस्कृतिक रूप से रूस से ज्यादा करीब है। 2014 से यहाँ रूस समर्थित मिलिशिया और यूक्रेन की फौज के बीच टक्कर जारी है। यहाँ से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरे दो बच्चे हैं और उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे भी यहाँ पर घर छोड़ने का फैसला जल्दी से लेना पड़ा। जैसे ही ऐलान किया गया कि इलाके को खाली कर दिया जाए, तो सभी ने ऐसा किया। यहाँ पूरा शहर खाली हो चुका है और ये डरावना एहसास है। इस
रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले करीब 10 सालों में यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन का आरोप रहा है कि रूस डोनेत्स्क और लुहानस्क क्षेत्र के बागियों को सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है। रूस अपने सैनिकों की मौजूदगी को जायज ठहराना चाहता है जो डॉनबास के इलाके में 2014 से काबिज हैं। रूस ऐसा देश है जिसने इस युद्ध को 8 सालों से समर्थन दिया है और वो नहीं चाहता कि यहाँ शांति हो। पिछले 24 घंटों में रूसी सेनाओं ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है और 64 ऐसे वाक्य हैं जब उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। करीब 400 गोले दागे गए हैं और ये सब आबादी वाले इलाके की तरफ हमले में इस्तेमाल किए गए। हमारे 2 सैनिक मारे गए और 18 घायल हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, रूस और यूक्रेन की टक्कर में दुनिया कहां किसकी तरफ खड़ी है। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन के टुकड़े वाले प्लान पर बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या ये देश यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना भेजेंगे, इस सवाल पर सब खामोश हैं। अभी सिर्फ रूस पर आर्थिक पाबंदियों की बात हो रही है, जबकि रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। ब्रिटेन ये मानता है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला किया है, उन्होंने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ब्रिटेन जल्द रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाएगा। हमने देखा है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद घोषित किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। फ्रांस ये मानता है कि यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला किया गया है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि टेंशन को कम किया जाना चाहिए। दुनिया एक और संघर्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक कोशिशें एकमात्र तरीका है किसी एक समाधान तक पहुंचने का जिस पर सबकी सहमति हो। इस मुद्दे पर हमारा लगातार यही दृष्टिकोण रहा है। हम सभी पक्षों के संपर्क में हैं। हमारे विदेश मंत्री यूरोप में थे, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई वार्ताकारों से मुलाकातें की और मुझे लगता है कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि तनाव को कम किया जाए, संघर्ष को कम किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डिप्लोमेसी एकमात्र तरीका है और हम ऐसा कुछ भी नहीं होते देखना चाहते जिससे मामला और बढ़े। चीन यूक्रेन के हालात को बहुत करीब से देख रहा है और हमारा इस मुद्दे पर जो स्टैंड है वो यही है कि सब देशों की सुरक्षा की जो फिक्र है उसकी इज्जत की जाए और संयुक्त राष्ट्र के जो नियम और सिद्धांत हैं उसको लागू किया जाए। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस मसले पर क्या कहा है वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का मानना है कि यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद घोषित करना रूस की तरफ से यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ है और ये संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं जिसका क्षेत्रीय और ग्लोबल स्तर पर असर पड़ सकता है। रूस के एक्शन का यूक्रेन और बाकी यूरोप और साथ में दुनिया पर गलत असर पड़ेगा। हमारी जो यूक्रेन के साथ पिछली 2 मुलाकात हुई हैं, उसे लेकर मैंने पहले ही कहा है कि यूक्रेन में मानवीय संकट खड़ा हो सकता है और 30 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर रूस हमला करता है तो ये हालात और खराब होंगे। पुतिन इस वक्त नाटो और अमेरिका के लिए खतरनाक बन चुके हैं और यूक्रेन के टुकड़े करने वाले कदम ने उनके पारंपरिक विरोधियों को बोलने का मौका दे दिया है। जापान ने मानता है कि रूस का कदम यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला है, यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने यूक्रेन के मसले पर अपनी फिक्र जताई है। हमारी सरकार ने लगातार यूक्रेन की संप्रभुता के मसले पर उसका समर्थन किया है। आपने देख लिया कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर दुनिया कहां खड़ी है। अब देखिए कि यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे के खिलाफ कहां खड़ी हुई है। रूस ने कहां सेना जमा की हुई है, कहां यूक्रेन की फौज डटी हुई है, फ्रंट पर क्या हो रहा है। रूस और यूक्रेन की ताकत की तुलना पर अब ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं,
रूस के पास 8.5 लाख से ज्यादा फौज है, यूक्रेन के पास 2,500 टैंक है, रूस के पास टैंकों की तादाद 12,000 से ज्यादा है, यूक्रेन के पास 70 फाइटर जेट हैं, रूस के पास 770 लड़ाकू विमान हैं। बाकी फिगर्स क्या दिखाएं? आप इससे अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन और रूस की ताकत में कितना बड़ा गैप है। इन आंकड़ों से आगे की बात करें तो इस वक्त पूरा खेल डिप्लॉयमेंट का है और इस तैयारी में रूस ने यूक्रेन को बहुत पीछे कर दिया है। रूस की करीब 1.5 लाख की फौज इस वक्त नेटो को तीन तरफ से घेरे हुए है, लेकिन उसकी टैंक रेजिमेंट में लुहांस्क और डोनेट्स की तरफ से यूक्रेन में एंट्री की है। इन सबके बीच रूस एक बड़ी न्यूक्लियर पावर के तौर पर तैयार है। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की रेंज में पूरी दुनिया है, लेकिन यहां उसके सामने यूक्रेन है और इसके लिए वो न्यूक्लियर फोर्स को तैयार कर चुका है, क्योंकि मैसेज सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो तक भी पहुंचाना है। रूस की इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, ये है RS-24 मिसाइल, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस ऐसी मिसाइलों को पिछले कुछ महीनों में लगातार परख चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।